नवरात्र का पावन महीना चल रहा है और ऐसे में बिहार सरकार स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करने का दावा तो कर रही है, मगर वहीं एक वानगी सच हम आपको दिखाएंगे कि बक्सर में स्वास्थ्य सेवा में जो एम्बुलेंस चालक हैं, 102 के एम्बुलेंस चालक जो हैं वो हड़ताल पर हैं। तो हम बता दें कि बक्सर में स्वास्थ्य सेवाएं जो है बिहार सरकार जो दुरुस्त करने का दावा कर रही है, ऐसे में जो एम्बुलेंस चालक हैं वो जो है हड़ताल पर है और बक्सर जिले के सभी एम्बुलेंस कर्मी जो हैं अभी सदर अस्पताल में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये सिविल सर्जन जो कार्यालय है, सिविल सर्जन कार्यालय के सामने आप ये तस्वीर जो देख रहे हैं कि सिविल सर्जन के कार्यालय और इसके सामने सभी एम्बुलेंस जिले की खड़ी हैं और ऐसे में स्वास्थ्य सेवा जो जो इमरजेंसी रोगी है उसको वो कहीं ना कहीं अपने निजी साधन से जो रेफर हो रहे हैं केस वो बाहर जा रहे हैं और अभी 102 के एम्बुलेंस जो है सभी जो है सदर अस्पताल में आकर के खड़ी हैं। ये वही स्वास्थ्य कर्मी है, स्वास्थ्य 102 के चालक हैं जो अभी अपने मांगों को लेकर के वो खड़े हैं। तो इनसे जानने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि ये लोग अभी देखिए नारेबाजी कर रहे हैं, अपनी आक्रोश जाहिर करते हुए ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में हम अभी इन लोगों से भी जानेंगे क्या किस लिए आप लोग हड़ताल कर रहे हैं। हम लोग का 4 महीने का भुगतान रुका हुआ है, करीब 5 महीने का पीएफ बाकी है और इसी तरह 2013 में वीडियो जन हम लोग का गाड़ी चला रहा था, 7 महीने का पेमेंट लेके भाग चुका। उसके बाद वही जो है कहानी जो है फिर से दोहराने वाला है कि इसलिए कि जो है कि 5वां महीना चल रहा है, सिविल सर्जन महोदय बोले हैं कि मतलब जो है आप लोग का 1 महीना का पेमेंट चला गया है, आप लोग का 3 महीने का बाद में चला जाएगा। तो फिर 10 रोज के बाद अगर हम लोग का कंपनी जो है दूसरा ले लेता है तो फिर हम लोग रोड पर आ जाएंगे, जो वही जो है 2013 में हुआ था। इसीलिए हम लोग हड़ताल पर बैठे हैं, हम लोग का बाल बच्चा जो है रोड पर उतरने वाला है। अगर इससे अगर हम लोग का भुगतान नहीं होता है तो हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। तो आज पूरी तरह ठप, सेवा ठप है। हाँ, पूरी तरह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद गुलाम सरवार। क्या मानते हैं आप, क्यों आप लोग हड़ताल कर रहे हैं? सर, हम लोग को 4 महीने से पेमेंट नहीं मिला है, ये 5वां महीना है और पीएफ का हम लोग का 1 साल से पैसा नहीं कटा है और इसी के लिए हम लोग हड़ताल किए हुए हैं। अगर सीएस या डीपीएम या कोई भी हम लोग का बात नहीं मान रहा है, बिल्कुल कोई सुनवाई ही नहीं है और रातों दिन हम लोग सेवा देते रहते हैं 24/7 और आज रात 12 बजे से सेवा बाधित है, पूरी तरह ठप है। पूरी तरह ठप है और ठप रहेगा। क्या नाम है आपका? विश्राम कुमार, पीएमपी। आप लोग हड़ताल पे हैं और मांगे नहीं मानने की वजह से शायद आप लोग हड़ताल पे हैं। जी, हड़ताल पर इसलिए है कि हम लोग का बाल बच्चा खाए बिना मर रहा है। पर्व त्यौहार, जब भी पर्व त्यौहार आता है ऐसा ही होता है। अब बताइए कि स्कूल से 4 महीना का अल्टीमेटम आता है कि जमा कीजिए, आपका स्कूल का बच्चा से नाम काटा जाएगा, बच्चा का स्कूल से नाम काटा जा रहा है। तो बताइए कि हम लोग क्या करें, बच्चा हम लोग का नहीं पढ़ेगा, हम लोग का बाल बच्चा नहीं है। इन लोगों का 1.5 लाख 3 लाख सैलरी मिल रहा है, इन लोगों को टाइम पर एकदम एक तारीख खाता में घुस रहा है, लेकिन हम लोग का कोई टाइम नहीं। आज ही नहीं, जितना साल से जब भी 4 महीना 5 महीना होता है तभी जब हड़ताल पर बैठते हैं तभी हम लोग का सैलरी मिलता है। और यह है कि हम लोग 12-12 घंटा काम करते हैं, यहाँ पर ड्यूटी होगा किसी भी अधिकारी का 8 घंटा 10 से लेकर 5 तक, लेकिन हम लोग का ड्यूटी एकदम 12 घंटा है, 8 से लेकर 8 बजे रात तक। सोच लीजिए उसमें खाना भी खाना है, खाकर ड्यूटी भी जाना है, सोच लीजिए वो भी रोस्टर के हिसाब से ड्यूटी होता है। तो मान लीजिए कि हम लोग क्या करें, 8000 का ड्यूटी नौकरी है और 8000 में हमको कुछ मिलेगा नहीं और 4-4 महीना नहीं मिलेगा तो हम लोग खाएंगे कहाँ से? तो इसलिए हम लोग भूखे मर रहे हैं, इसलिए क्या करें, लास्ट में आकर हम लोग हड़ताल किए हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। तो आपने देखा 8000 का वेतन और 12 घंटे ड्यूटी, ऐसे में 5 महीने से वेतन न मिलना, तो लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश देखा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? सर, खा गई हम पूरा बिहार में कोई डीपीसी के नहीं के भूमिका ये पेमेंट बनावे के काम चलत रही, मैंने एम्बुलेंस का जरिए के एलोबरी कोने वैल्यू में नहीं के। अच्छा, ये स्थिति बा। तो अभी तो ऐसे में अभी दुर्गा पूजा भी है। कोनो पूजा मतलब नहीं के, हमने के जरिए के पूजा नहीं के हो तो हमने का और लोग का पूजा का जाना जा।
क्या नाम है? शत्रुघ्न प्रसाद ड्राइवर। आप तो 100 वाहन चलाते हैं, आप कितनी परेशानी झेलते हैं? भैया ये तो अभी फिलहाल में रात्र का समय चल रहा है, बताइए। सब लोग अपना व्रत पाठ पूजा करते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी व्रत रहते हुए भी ड्यूटी पे हाजिर रहना है, 8 दिन का हो या 10 दिन का हो, सड़क क्लास, प्रशासनिक क्लास हो, चाहे कहीं पे भी GRP रेलवे आपको पहुंचना है, और उस परिस्थिति में बताइए कि 4 महीने का वेतन बाकी है, 5वां महीना स्टार्ट हो चुका है, अभी तक किसी को 1 रुपया नसीब नहीं हुआ है। हमारा जो DHS है हमेशा दिन रखता रहता है, आज वेतन मिलेगा कल मिलेगा भेज दिया गया है, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी है कि महोदय लोगों का परमिशन होता है, कोई घटना घटित होती है जल्दी पहुंचिए यहाँ पर, लेकिन ये चिंता नहीं है कि वो तो पहुंचते हैं और समय पर सेवा देते हैं, लेकिन उन लोगों के भविष्य के लिए, बाल बच्चों के लिए किसी प्रकार का कोई लोग के पास में वो ध्यान नहीं है। सबकी अपनी डफली अपनी राग है, राग अलाप रहे हैं और कहते हैं कि वेतन आज और कल मिल जाएगा। तो भैया उन लोग का सैलरी तो 1-1.5 लाख रुपया है, हम लोग का सैलरी 8200 में वेतन पर ये एम्बुलेंस कर्मी जो अपने स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, और ऐसे में हमने देखा है कि कोरोना काल का वक्त था और उस समय भी जो जिस वक्त लोग अपने परिजनों का जो शव नहीं छूने से परहेज करते थे और सड़ा गला लाश, ये यही एम्बुलेंस कर्मी जो शमशान घाट हो या कहीं भी उसको ले जाने का कार्य करते हैं, और ऐसे में इन एम्बुलेंस कर्मियों का जो है 8200 वेतन पर और इस पावन पर्व दशहरा में भी वेतन नहीं मिलने पर इन लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। हम अब इनके अध्यक्ष जो हैं इनसे हम बात करेंगे, जो धरना पर बैठे हैं, क्या कहेंगे आप? जो हमारे जितने भी स्टाफ बोले हैं वो बहुत सही बोले हैं और उनका कहना बहुत सत्य है, लेकिन हम लोग इसीलिए हड़ताल पर बैठे हैं कि जब तक 4 महीने का अगर सैलरी नहीं मिलेगा तब तक हम लोग का हड़ताल टूटने वाला नहीं है। हो सकता है कि 7 तारीख हो गया, 9 तारीख के भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे हम लोग। तो यहाँ पे तो स्वास्थ्य जो अधिकारी है वो कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, उनको कहने दीजिए, उनका काम है, उनका बचने के लिए काम है, पल्ला झाड़ने का काम है, उनका कहना उनका काम है, हमारा झलना काम है। वो तो झूठ बोलेंगे ही बोलेंगे, वो 3 लाख रुपया सैलरी लेते हैं, वो तो बोलेंगे ही झूठ, वो नहीं कहेंगे कि हम लोग 8000 रुपया नौकरी, 8000 की नौकरी करने वाला आदमी कभी राजनीति करता है? कभी राजनीति नहीं करता है। हम लोग तो अपना बाल बच्चा का पेट चलाने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। सोचिए आप ही बताइए हमको कि 4 महीना हो गया, हमारा बाल बच्चा कैसे जी रहा है? कितने ऐसे स्टाफ हमारे हैं यहाँ पे जिनके बच्चों का नाम काटा जा रहा है स्कूल से, कभी दिखाई दे रहा है उनको? 3 लाख की सैलरी उनको मिलती है, DPM पदाधिकारी को भी मिलता है, और हम लोग की कहाँ गलती है? हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग हड़ताल करें, हमारी सैलरी दे दें, हम लोग नहीं हड़ताल करेंगे, हम लोग सेवा देने के लिए तैयार हैं। जनता वहां पर जा रही है, गरीब आदमी जा रहा है अपना अपना टेम्पू और भाड़ा पर करके, हमें भी दुख लग रहा है, हम भी एक गरीब घर से परिवार से बिलोंग करते हैं, बहुत बड़ा दुख लग रहा है मुझे भी, लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य है, पापी पेट का सवाल है, यहां पर भोजन नहीं मिलेगा तो कैसे चलाएंगे हम लोग गाड़ी? आज 4वां महीना हो गया, उसके बाद 5वां चलने लगा, कितना दिन बर्दाश्त करिएगा बताइए? आपके एक एम्बुलेंस कर्मी कह रहे थे कि 7 महीने का पहले का वेतन भी, हाँ हाँ, डॉक्टर जैन की कंपनी थी आज से 2012-13 में वो आई थी, तो उसने कहा गया कि 7 महीना का सैलरी हम लोग का लेकर के चला गया, 7 महीने का PF और ESI और सैलरी, और जोड़े कितना लेकर के गया, फिर इनका टेंडर दूसरे किसी का होने वाला है, हो सकता है कि ये भी चला जाए। तो ये राम भरोसे है, राम भरोसे है, ये ऑर्डर देते हैं बैठ करके कुर्सी पर और कह रहे हैं हमको राजनीति, हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, ये बैठे हुए वो लोग राजनीति करते हैं हमारे साथ कि 8000 रुपया सैलरी है, ये क्यों नहीं दिलवाते हैं? ऑर्डर देने के लिए है पदाधिकारी कि हाँ आप यहाँ से उठा लाइए केस, वहाँ से उठा लाइए, वहाँ से मरीज ले आइए, वहाँ से 100 वाहन ले करके आइए, आप ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर देने के लिए हुक्म देते हैं, उसी तरह पैसा दीजिए ना, हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। क्या नाम है? कृष्णदत्त मिश्रा, बक्सर जिला 102 अध्यक्ष। तो आपने सुना, ये जो एम्बुलेंस कर्मी है इनका दर्द आपने सुना,
दशहरे के पावन पर्व के मौके पर इन लोगों के घर में जो है फीस देने को पैसे नहीं हैं, और ऐसे में बड़े बड़े अधिकारी जो हैं एसी में बैठ करके और फरमान जारी करते हैं। हालांकि इनका भी कहना वाजिब है, 8,200 तनख्वाह वाले जो कर्मी हैं और उनको इस पावन पर्व पर पैसे न मिलना ये अपने आप में भी सवाल खड़ा करता है। अब किस भरोसे बिहार सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था जो है सुदृढ़ करने का दावा तो करती है, मगर ऐसे अगर कर्मियों को वेतन नहीं मिलेगा तो स्वास्थ्य कर्मी कैसे अपना काम करेंगे। बक्सर से पंजाब केसरी के लिए संजय उपाध्याय। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।